प्रारब्ध हूं, प्राणी मात्र के संचित सुकर्म और विकर्म का परिणाम। मैंने अपने अंक में नक्षत्रों को विश्राम दिया है। मैंने ब्रह्मांड की अनेकानेक आकाश गंगाओं को भी कभी शिखर चूमने योग्य बनाया है, तो कभी स्वयं का अस्तित्व ढूंढने के लिए विवश किया। मेरे हृदय में अनंत कथाएं हैं। मैंने सृष्टि के तीनों कल्पों को विविधता से परिपूर्ण किया है, ब्राह्म कल्पों, पद्म कल्पों या वराह कल्प। मैंने हर कल्प में सहस्त्रों अनमोल कथाएं उकेरी हैं, किंतु जैसे एक कथा से मैं अत्यंत प्रभावित हुआ हूं, वह कथा है देवयानी की। विद्यां च विद्यां च यस्तद् वेदो भयः सह अविद्यया मृत्युं त्रित्वा विद्या मृता माश्नुते। इसका ये अर्थ है कि जो अविद्या की कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान को साथ साथ सीख सकता है, केवल वही बारंबार होने वाले जन्म और मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमरता के पूर्ण वरदान को भोग सकता है। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। ऋषि कुमार और दैत्य गुरु श्रेष्ठ भार्गव कविपुत्र आचार्य शुक्र पधार रहे हैं। आचार्य शुक्र? गुरुदेव कदाचित आपसे आशीर्वाद लेने आ रहे होंगे। हाँ गुरुदेव, दैत्यों के गुरु पद पर नियुक्त किए जाने के पश्चात यह उनका प्रथम आगमन है। आचार्य शुक्र हमें सबसे प्रिय है और हम जानते हैं कि इंद्र के प्रति जितनी घृणा हमारे मन में है उससे कहीं अधिक घृणा उनके मन में है। प्रणाम पूज्य आचार्य। श्रेष्ठ भवा। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। गुरुदेव आप जिस ईर्ष्या और घृणा की बात कर रहे हैं मैं उसे ही एक नई ऊंचाई देने आया हूं। हम समझे नहीं पुत्र। मैं किसी ऐसी विद्या के अन्वेषण में आपके पास आया हूं जो मुझे संसार का सर्वश्रेष्ठ व्यवसायिक गुरु बना दे।
तुम्हारा व्यवसायिक शब्द हमें अच्छा लगा। आओ साथ में संध्या वंदन करें। दूर से आए हो, कुछ दिवस विश्राम कर लो, उन्हें कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। जी गुरुदेव, किंतु गुरुदेव मैं देवराज इंद्र के गुरुपद की प्रतिष्ठा को लज्जित करने वाले निर्णय को चुनौती देना चाहता हूं। हाँ पुत्र, देवराज इंद्र ने अहिल्या प्रकरण में हमारे साथ जो कुछ किया, भगवान यज्ञ उनके साथ ऐसा कुछ करे कि उन्हें भूलोक आने में लज्जा का अनुभव हो। आओ हम साथ में संध्या वंदन करते हैं। नमामि त्वाम महादेवं महाभय विनाशिनं महादुर्ग प्रशमनं महाकारुण्य रूपिणं। नमामि त्वाम महादेवं महाभय विनाशिनं महादुर्ग प्रशमनं महाकारुण्य रूपिणं। नमामि त्वाम महादेवं महाभय विनाशिनं महादुर्ग प्रशमनं महाकारुण्य रूपिणिम्। नमामि त्वाम महादेवम् महाभय विनाशिनम् महादुर्ग प्रशमनम् महाकारुण्य रूपिणिम्। हे अनुपम विद्यता की धनी एवं विख्यात भार्गव आचार्य शुक्र की होने वाली भार्या जयंती, आंखें खोलो। प्रणाम विष्णु प्रिया देवी लक्ष्मी, आपने मुझे किस संबोधन से संबोधित किया है? मेरा यह संबोधन तुम्हें प्रिय नहीं लगा? हे देवी, प्रश्न संबोधन के प्रिय या अप्रिय लगने का नहीं है। तो फिर तुम्हारे ये आश्चर्य का केंद्र क्या है? देवी मैंने तो केवल आपकी स्तुति की है, उसमें अपने मनोरथ का एक भी शब्द सम्मिलित नहीं किया है, फिर मेरे लिए आपका ये संबोधन? हे इंद्रपुत्री जयंती, तुम स्वर्ग लोक में रहती हो जहाँ मनोरथ के रथ पर तथास्तु के घोड़े बंधे होते हैं। जानती हूँ देवी, देवलोक में इच्छा पूर्ति के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। तो फिर तुम चिंतित क्यों हो? देवी मैं केवल अपनी इच्छा को आपके आशीर्वाद से सौभाग्यवती बनाना चाहती हूँ। इच्छाएं तो स्वयं का प्रतिबिंब होती हैं, इसलिए मैंने प्रकट होते ही विख्यात भार्गव आचार्य शुक्र की होने वाली भार्या से संबोधित किया था। यही तो मेरा आशीर्वाद है। अर्थात आपने मेरे और शुक्र देव के प्रेम को स्वीकार कर लिया? तुम्हारे प्रेम को स्वीकार किया है, शुक्र के नहीं। सच तो ये है कि मेरे प्रिय शुक्र अभी तक तुम्हारी इस भावना से अनभिज्ञ है। तुम उनसे विवाह करना चाहती हो और इस भावना का उन्हें पता भी नहीं है। तो क्या वो मेरे प्रेम के प्रस्ताव को ठुकरा देंगे? कुछ कहा नहीं जा सकता। तुम्हारे इस प्रस्ताव की धरती पर अनिश्चितताओं के बादल छाए हुए, प्रेम की वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी। परंतु देवी मैं उन्हें अपना स्वामी मान चुकी हूँ, क्या उनकी प्रेम की वर्षा किसी और की अग्नि को शांत करेगी? कदाचित नहीं। तो फिर मुझसे विमुख होने का कारण? मेरे प्रिय शुक्र अभी गौतम ऋषि के आश्रम में किसी विशेष तपस्या हेतु गए हुए। हे देवी आप मुझे उन्हें पाने का आशीर्वाद दे। तुम्हारे प्रेम का यह भोलापन रोचक और सम्माननीय है, मुझे प्रसन्नता होगी यदि तुम शुक्र की भार्या बनोगी तथा मेरे पिता महर्षि भृगु तुम्हें कुलवधु के रूप में पाकर गौरवान्वित होंगे। देवी मुझे ऐसा ही आशीर्वाद दे। एवं अस्तु। परंतु तुम्हें कई बाधाओं का
सामना करना होगा। देवी, आपका आशीर्वाद तो मेरे प्रेम को दीर्घायु प्रदान करेगा, बाधा कैसी? कदाचित प्रेमियों की यही विशेषता होती है, उन्हें प्रेम का मार्ग तो दिखाई देता है परंतु उस मार्ग की बाधाएं नहीं। मैं कुछ समझी नहीं देवी। प्रेम में पारिवारिक विरोध तथा सामाजिक विरोध स्वाभाविक होते, इसके बिना प्रेम प्रेम नहीं होता। परंतु तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हारे प्रारब्ध में शुक्र है तो अवश्य मिलेंगे। देवी, आपके सहयोग और मार्गदर्शन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। प्रणाम विष्णु प्रिया देवी लक्ष्मी। हिरण्यमये पात्रेण सत्यस्या पितामुखम् तत्त्वं पुष्णा प्रावीणु सत्य धर्माय दृष्टये। हे भगवान, हे समस्त जीवों के पालक, आपका सत्य मुखमंडल आपके चमचमाते तेज से ढका हुआ है, कृपा करके इस आवरण को हटा लीजिए और अपने इस शुद्ध भक्त को दर्शन दीजिए। गुरुदेव, मैं आपका आशय समझा नहीं। हे उषा पुत्र शुक्राचार्य, तुम तो शस्त्र और शास्त्र के ज्ञान से परिपूर्ण हो, धर्म का पालन और अधर्म का विरोध करने की क्षमता भी तो रखते हो, समाज का मार्गदर्शन और राष्ट्र का नेतृत्व करने की क्षमता तुम्हारे भीतर है। विश्वास की पूंजी और आत्मविश्वास की संपदा से तुम परिपूर्ण हो, इसलिए हे पुत्र, मेरी इच्छा है कि तुम भगवान आशुतोष की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करो। जो आज्ञा गुरुदेव। भगवान शिव से मृत संजीवनी प्राप्त करके तुम इस संसार में सबसे ऊपर हो सकते हो। मृत संजीवनी? हाँ पुत्र, मृत संजीवनी का वरदान प्राप्त करके तुम लोगों को जीवन दे सकोगे। परंतु गुरुदेव, क्या यह संभव है? हाँ पुत्र, संभव है। और तुम तो भार्गव हो, तुम्हारे कुल में तो श्रेष्ठ ऋषि भृगु, कवि, दाता, विधाता, चैवन और लक्ष्मी जैसे होनहार प्राणी हुए हैं, जिन्होंने अपने तप और दृढ़ निष्ठा से भाग्य को बनाने का अधिकार और यहां तक कि ईश्वर को भी प्राप्त कर लिया है। परंतु गुरुदेव, इसके लिए भगवान शिव की तपस्या की आवश्यकता क्यों है? आप ही हमें मृत संजीवनी की विद्या सिखा दीजिए। इस विद्या का मंत्र मेरे ज्ञान कोश में नहीं है पुत्र। इसलिए मृत संजीवनी का वरदान केवल भगवान आशुतोष के वरदान से ही मिलेगा। जो आज्ञा गुरुदेव, मैं इस कठिन तपस्या के लिए तैयार हूं। मृत संजीवनी का वरदान मिलते ही तुम तीनों लोकों, दसों दिशाओं और चौदहों भुवनों में प्रसिद्ध हो जाओगे पुत्र। परंतु गुरुदेव, इस तपस्या के लिए मुझे सदैव आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। मैं तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करने हेतु सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। तथास्तु, संकल्प पूर्ति भवा। पुलोमा, 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 क्या बात है स्वामी, आज बड़े प्रसन्न प्रतीत हो रहे हैं। पुलोमा,
एक बड़ा ही शुभ समाचार लाया हूँ। शुभ समाचार? कैसा शुभ समाचार स्वामी? एक ऐसा समाचार जिसे सुनकर आप हर्ष से फूली नहीं समाएंगी। क्या मेरे पुत्र चवन ने कोई नई औषधि विकसित की है, या फिर विधाता ने अपने जीव कल्याण अभियान में कुछ और अर्जित किया है? औषधियों और जीव संरक्षण की बात तो बहुत पीछे छूट चुकी है देवी, यहाँ तो बात मृतकों को जीवन देने की है। मृतकों को जीवन देने की बात? मैं कुछ समझी नहीं स्वामी। मेरे पुत्र कवि और उनकी पत्नी उषा के पुत्र शुक्र ने मृत संजीवनी प्राप्त करने हेतु महर्षि गौतम के आश्रम में भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। क्या? मेरे शुक्र ने? आज तो उसने मुझे बहुत प्रसन्न कर दिया। श्रेष्ठ तो वो पहले ही था। मेरे भाई अंगिरा ने अपने पुत्र बृहस्पति और वो तथ्य के मोह में शिक्षा देते समय भले ही शुक्र के साथ पक्षपात किया, लेकिन मेरे शुक्र ने मुझसे और ऋषि गौतम से शिक्षा प्राप्त करके अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध किया। देवगुरु बनने के सर्वथा उपयुक्त था शुक्र, परंतु वहां भी पक्षपात करके उसे धुत्कार दिया गया। परंतु अब मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही। अवश्य ही शुक्र अपने अभिष्ट देव को प्रसन्न करके वो संजीवनी प्राप्त करेगा। ये तो सचमुच बड़े गौरव की बात है। मैं शुक्राचार्य की सफलता की कामना करती हूँ। मृत संजीवनी का वरदान पाकर शुक्र देव तुल्य हो जाएगा। देव तुल्य ही नहीं, देवताओं से भी अधिक ऊंचा स्थान होगा उसका। अंगिरा जैसे महान ऋषि और उनके पुत्र बृहस्पति के कमंडल भी इस वरदान से रिक्त होंगे। हाँ देवी, और इस वरदान के पश्चात इंद्र अपने देव गुरु के पद को शुक्र को न देने के लिए लज्जित होंगे। अब हम सबको उनकी तपस्या की सफलता के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। कहीं इंद्र की ईर्ष्या शुक्र की तपस्या में बाधा न बन जाए। आपकी चिंता निराधार नहीं है स्वामी, किंतु निश्चिंत रहिए, पुत्री लक्ष्मी के होते हुए वो पुरंदर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राजेंद्र, उस तपस्वी शुक्राचार्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसकी तपस्या को भंग नहीं कर सकता, उसके विश्वास को बिगाड़ नहीं सकता, उसके जिसके को चित्त को विचलित नहीं कर सकता। परंतु क्यों देवराज? एक वरदान तिलोत्तमा, जो कि भृगु कुल के लिए सुरक्षा का कवच बना हुआ है। इस वरदान के अनुसार महर्षि कश्यप और अत्रि की अप्सरा पुत्रियां भी शुक्राचार्य की तपस्या को भंग नहीं कर सकती। तब तो आपकी चिंता निराधार नहीं है देवराज। हाँ तिलोत्तमा, और तो और वो शुक्राचार्य हिरण्य कश्यपों के कुल का वंशज है। उसकी रक्त धमनियों में भृगु वंश के साथ साथ दैत्यों का रक्त भी प्रवाहित हो रहा है। और आपको तो ज्ञात है तिलोत्तमा, दैत्य सदैव ही देवताओं के शत्रु रहे हैं, और यदि वो शुक्राचार्य मृत संजीवनी प्राप्त कर लेता है तो देवताओं का विनाश निश्चित है। सचमुच आपकी चिंता अति गंभीर है देव। तिलोत्तमा, यदि शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी प्राप्त कर ली तो भगवान विष्णु का कुर्म अवतार अर्थहीन हो जाएगा। मैं कुछ समझी नहीं देवराज। मैं बताता हूँ तिलोत्तमा,